एक बार की बात है, रात के लगभग 11 बज रहे थे। आरोही, आराध्या, संध्या, प्रेरणा और आरती, यह पांचों अच्छे से तैयार होकर एक पार्टी में जा रही थी। चलते चलते अचानक उनके कदम रुक गए और वो बार बार अपने फोन को चेक करने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पार्टी में वो जा रही हैं, वो एड्रेस यह हो सकता है। सुहानी ने तो कहा था कि वो हम सबको एक सरप्राइज पार्टी देने वाली है, लेकिन यह क्या, वो हमें सरप्राइज पार्टी यहाँ देने वाली है? वो इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है? यह तो अब स्कूल के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि वो अपनी बर्थडे पार्टी हमें स्कूल के अंदर क्यों दे रही है। देखते हैं अंदर जाकर हमें क्या सरप्राइज मिलने वाला है। स्कूल का दरवाजा खुला हुआ था और वो स्कूल के अंदर चली जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वहाँ कोई पार्टी नहीं थी और उनकी दोस्त सुहानी भी नहीं थी। वो सभी सुहानी को आवाज देने लगी। सुहानी, सुहानी, कहाँ हो तुम? सुहानी, तुमने हमें स्कूल में क्यों बुलाया? सुहानी, सुहानी, कहाँ हो तुम? वो सब बार बार आवाज लगाती हैं, लेकिन सुहानी कहीं नजर नहीं आती। कुछ समय बाद वो वापस जाने लगी, तभी पीछे से किसी ने उन्हें पुकारा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और तुम पार्टी छोड़कर जाने लगे, कहाँ जा रहे हो? सुहानी, स्कूल में इतना अंधेरा क्यों है और तुम अपनी बर्थडे पार्टी यहाँ क्यों दे रही हो? तुमने तो कहा था कि एक सरप्राइज है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने वाली हो, यह सरप्राइज देने वाली हो। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे स्कूल से कितना प्यार है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि अपना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करूं। मेरी पार्टी बहुत शानदार होने वाली है, चलो मेरे साथ। वो सभी सुहानी की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि सुहानी को स्कूल और पढ़ाई से कितनी ज्यादा नफरत थी। और अब वो कह रही थी कि उसे पढ़ाई और स्कूल से बहुत प्यार है। वो उसके साथ चली जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं तो पार्टी सच में बहुत ही शानदार थी। कुछ समय बाद संध्या की नजर उन सभी मेहमानों पर जाती है और वो उन्हें देखकर चौंक जाती है। आराध्या, इन सब की आंखें मुझे ही अजीब लग रही हैं, या फिर तुम्हें भी? यह तो मुझे कहीं से भी इंसान नहीं लग रहे, यह बहुत अजीब लग रहे हैं। देखो तो, ये हमें देखकर कैसे हंस रहे हैं, और आज से पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। सुहानी इन्हें अपना दोस्त कैसे कह सकती है? यह तो उसके मम्मी पापा की उम्र के लग रहे हैं। अरे यह है क्या, तुम तो मेरी पार्टी एंजॉय भी नहीं कर रही। मेरी पार्टी में बहुत अच्छी ड्रिंक है, उसे पीकर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। सुहानी उन सभी के लिए ड्रिंक मंगवाती है। जैसे ही ड्रिंक आती है, वो सब घबराकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसे ड्रिंक से बदबू आ रही थी और वो लाल गाढ़ी नजर आ रही थी। छी, सुहानी, इस ड्रिंक से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, यह तो खून जैसा लग रहा है, आखिर यह है क्या? जो तुमने समझा वही तो है, यह खून ही है, यह मेरी पार्टी की स्पेशल ड्रिंक है, यह सब पी रहे हैं, तुम्हें भी पीना चाहिए, इसे पीकर तुम्हें शक्ति मिलेगी। और इसके बाद सुहानी खाना मंगवाती है और जैसे ही वो खाना खोलकर देखती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि खाने में कंकाल के टुकड़े होते हैं, कंकाल की खोपड़ी होती है। सुहानी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम हमें क्या खिला रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जानती हो ना, हम वेजिटेरियन हैं, तुम हमारे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं, सुहानी पागल हो चुकी है और हम यहाँ रुके तो हम भी पागल हो जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, जब तक मेरी पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम
कहीं नहीं जाओगी, जब तक मेरी पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको, जब तक मेरी पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सुहानी तुम्हें हो क्या रहा है, पहले तुम हंसती हो, फिर रोती हो, फिर गुस्सा करती हो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें हमारे साथ घर चलना चाहिए। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरे दोस्त हैं और ये स्कूल मेरा घर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम सब यहीं रहोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। चलो एक खेल खेलते हैं। सुहानी को क्या हो रहा है, इसकी आंखें ऐसे क्यों चमक रही है और ये इस तरह से क्यों हंस रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो सभी स्कूल से बाहर निकलने का फैसला करती हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं स्कूल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, चारों ओर से डरावनी आवाज आने लगती है। कुछ समय बाद सुहानी के चीखने की आवाज आती है जो ग्राउंड से आ रही थी। वो सभी सुहानी की चीख सुनकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। अभी तो सुहानी ने इतनी जोर से चीख मारी थी जैसे ना जाने क्या हो गया हो, और अब देखो वो कितने मजे से झूल रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, आसमान में काली काली घटाएं छा रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, लगता है कोई तूफान आने वाला है, मुझे लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। अचानक मौसम भी बदल जाता है, तभी सुहानी झूले से उतरकर आती है और वो आरती की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। आरती को सांस भी नहीं आ रही थी, वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। आरती, संध्या और आराध्या सुहानी को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुहानी कुछ नहीं सुनती और आरती को दूर फेंक देती है, जिस वजह से उसके सर से खून भी निकलने लगता है। आरती, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम सब मेरे कहने पर यहाँ स्कूल में क्यों आए हो, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर सुहानी जोर जोर से रोने लगती है, वो सब अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। कुछ समय बाद सुहानी के वो सभी मेहमान बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं, वो सब खून में लथपथ दिख रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावने लग रहे थे और वो सुहानी के दोस्तों की ओर बढ़ रहे थे। सुहानी, तुमने तो बहुत अच्छी पार्टी दी है, इतना ताजा मांस हम बहुत समय बाद खाने वाले हैं। अब तक तो हमने सड़ा गला ही खाया, यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। 12 बज चुके हैं, अब हमारा भोजन करने का समय हो चुका है, आओ आओ हमारे पास आओ, हम तुम सबको खाना चाहते हैं। हम बहुत समय से भूखे हैं, हमें ताजा खून चाहिए, ताजा मांस चाहिए। सुहानी, ये सब क्या हो रहा है, उनसे कहो हमसे दूर रहे, सुहानी ये बहुत खतरनाक है, इनसे कहो ये हमसे दूर रहे। आज मेरा बर्थडे है और मैंने इन सब से वादा किया है, मैं इन सब को स्वादिष्ट भोजन दूंगी। और मैंने तुमसे भी कहा था कि तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा, तो यही मेरा सरप्राइज है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे दोस्त नहीं हो सकती, तुम सुहानी नहीं हो, तुम कोई भूत, चुड़ैल या आत्मा हो, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। संध्या सुहानी को बातों में उलझाती है और अपने दोस्तों को भागने का इशारा करती है, वो सभी भागकर स्कूल से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद संध्या भी बाहर आ जाती है, वो सब बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वो सब क्या था,
उसकी आंखें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो कोई भूत या चुड़ैल हो। वो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं, इससे पहले कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। और उसके बाद वो सब अपने घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन वो स्कूल आते हुए डर रही थी, लेकिन वो स्कूल आती हैं क्योंकि स्कूल में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था, और वो अपनी क्लास में आकर बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद टीचर आती हैं और वो सभी बच्चों का टेस्ट लेती हैं। तभी संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सुहानी तुम यहाँ इस तरह से, तुम तो पूरी तरह से खून में लहूलुहान हो, तुम्हें हुआ क्या है? सुनीता मैम देखो तो सुहानी को क्या हुआ है, और ये किस तरह से हंस रही है और हमें कैसे घूर घूर कर देख रही है। सुनीता मैम देखिए सुहानी को क्या हुआ है। संध्या तुम्हें क्या हुआ है, यह तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? सुहानी सुहानी यहाँ क्यों होगी, क्या तुम्हें पता नहीं वो तो इस स्कूल से जा चुकी है, और उसे इस स्कूल से गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। सुनीता मैम यह आप क्या कह रही हैं? आपको क्या सुहानी सच में नजर नहीं आ रही, आपके पीछे ही तो है, और वो 2 महीने पहले कहाँ गई? वो तो रोज स्कूल आती है, आज से 2 दिन पहले आपने उसे पनिशमेंट भी दी थी, और अब आप कह रही हैं कि वो 2 महीने से स्कूल ही नहीं आ रही। तुम सब मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम टेस्ट से बचने के लिए यह सब कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने टेस्ट की तैयारी नहीं की, इसलिए तुम यह सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। चुपचाप बाहर ग्राउंड में जाकर हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ। सुनीता मैम सभी को क्लास से बाहर निकाल देती हैं, और वो सब बाहर ग्राउंड में हाथ ऊपर कर खड़े हो जाते हैं। तभी वो सेकंड फ्लोर पर देखते हैं, सुहानी वहाँ खड़े होकर उन्हें देख रही है, और वो जोर जोर से रो रही थी। यह देख कर वो सब चौंक जाते हैं। वो वहाँ सुहानी है ना, देखो वो हमें बुला रही है, हमें उसके पास जाना चाहिए। यह सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही। सुनीता मैम कह रही है सुहानी 2 महीने पहले स्कूल छोड़कर जा चुकी, और सुहानी हमें हर कहीं नजर आ रही है। कहीं ये सुहानी की आत्मा तो नहीं? सुहानी हमसे कुछ कहना चाह रही है, वो हमें कुछ बताना चाह रही है, इसलिए हाँ इसलिए वो हमें हर कहीं नजर आ रही है, हमें सुहानी के पास जाना चाहिए। संध्या बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सुहानी की आत्मा ही है। रात को स्कूल में इस तरह से हमें बुलाना, और स्कूल में सब जगह उसका हमें नजर आना, मुझे लगता है ये सुहानी की आत्मा ही है, और वो हमें कुछ बताना चाहती है। लेकिन अगर इसने हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो? मुझे नहीं लगता वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो रात स्कूल से भागने में हमारी मदद नहीं करती। और वो सभी टीचर की नजरों से छिपकर सेकंड फ्लोर पर जाती हैं, और वहां जाकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां सुहानी की डेड बॉडी पड़ी थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, वहां बदबू आ रही थी। यह देखकर वो थरथर कांपने लगती हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उन्हें सुहानी की आवाज आती है, मुझे पता था मेरे दोस्त मुझे मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहानी तुम मर चुकी हो, मगर ये सब कैसे हुआ? सुनीता मैम तो कह रही थी कि तुम 2 महीने पहले स्कूल छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन तुम तो हमारे साथ स्कूल में ही थी, और यहाँ तुम्हारी डेड बॉडी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अभी मरी हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुहानी यह सब क्या है? आज से 2 महीने पहले मैं इस स्कूल को छोड़कर मुंबई जाने वाली थी, लेकिन मैं मुंबई नहीं गई, मैंने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जब मैं घर जा रही थी, स्कूल के बाहर पीपल का पेड़ देखा है, उसके ऊपर एक खतरनाक आत्मा रहती है। छुट्टी हो जाने के बाद मैं वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, बस का इंतजार कर रही थी। तभी उस आत्मा ने
मेरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और उसने मुझे अपना शिकार कर लिया। उस पीपल की पेड़ की आत्मा ने तुम्हें मारा, तो फिर तुम 2 महीने से हमारे साथ स्कूल में क्यों हो? और वो रात पार्टी वाला ड्रामा, वो सब क्या था? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो सब मिलकर मुझे एक बुरी आत्मा बनाना चाहती है। उनका यह एक खेल है, पहले इंसानों का शिकार करती है और फिर उन्हें अपनी मंडली में शामिल करने के लिए एक खेल खेलती है। मैं बुरी आत्मा बनकर उनके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं उनकी तरह बुरे काम नहीं कर सकती, मुझे मुक्ति चाहिए। सुहानी, हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे। वो आत्मा कैसा खेल खेल रही है? वो मेरे हाथों तुम सबको मरवाना चाहती है और उसके बाद वो तुम्हारा खून और मांस मजे से खाएंगे और उसके बाद तुम्हें भी बुरी आत्मा बनाने के लिए वैसे ही करेंगे जैसा मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती मैं मेरे दोस्तों को मारूं और वो एक बुरी आत्मा बन जाए। बस मुझे मुक्ति चाहिए। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना होगा? मैं और वो सभी आत्माएं और आत्माओं के सरदार अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने वाले हैं। बस तुम्हें उन सबको खत्म करना है और उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह तुम कर पाओगी ना? सुहानी की आप बीती सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। 2 दिन बाद अमावस की रात थी। सभी आत्माएं पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होती हैं। रात के 12 बज रहे थे। वो सब अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आती हैं और उसके बाद वो तांत्रिक बाबा उन सभी आत्माओं का सर्वनाश कर देते हैं। सुहानी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और उन सबको खुशी होती है कि उन्होंने अपनी दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिलाई और उन सभी आत्माओं को सजा। यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। और उसके बाद वो सब अपने घर वापस आ जाती हैं और वो इस हादसे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलती।